जरा वीवो का पूरा लंच फिनिश हो रखा है। वेरी नाइस, बिल्कुल साफ करके लाए, धुल भी लाए क्या इसको? बात करो ना दो ना, तो हमको तो ये समझ में नहीं आता कि जब आप किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, जब आप सच्चा प्यार जैसे लोग ऑन कैमरा कुछ और देखते हैं और पीछे कुछ और होते हैं, जस्ट लाइक मेरे इन लॉज, ठीक है। ऑन कैमरा आते ही तो हमने खाना बना के दिया था, लेकिन अब उन्हें हमारे हाथ का खाना ही पसंद नहीं आया, तो फिर हम कैसे अब खाना बना के दे दें उन्हें? भाई जब पसंद ही नहीं आ रहा है सामने, जिम्मेदारी बिल्कुल निभाएंगे, लेकिन आप बड़प्पन तो दिखाओ, बड़े लोग बड़प्पन तो दिखाएं, ऐसा नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें, जो कि लोग नहीं करते हैं, दूसरों की लाइफ में झांकते रहते हैं, तो जिनका जो काम है वो करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो आज है टीचर्स डे, और देखो मेरी लाइफ में बहुत सारे टीचर्स हैं नो डाउट, जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में हम लोग टीचर से ही नहीं, जो हमारे जीवन में लोग होते हैं उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो गलत हो या चाहे वो सही हो, ठीक है। तो गलत लोगों से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि भाई, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि हाँ भाई ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ना चाहिए, या कुछ भी ले लो। और जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना वक्त सबसे ज़्यादा सिखाता है, जो समय होता है वो हमें सबसे ज़्यादा सिखाता है, चाहे अच्छा समय लो चाहे बुरा समय लो। इंसान अच्छे समय में तो इतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो अपनी मस्ती में मगन होता है, ठीक है। और लेकिन जब बुरा वक्त आता है, तो बुरा वक्त आने के बाद पता चलता है, लोगों के चेहरे सामने आते हैं, तो बुरा वक्त हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। और बुरा वक्त क्या कहते हैं, किसी किसी को तो देखो तोड़ देता है, और किसी किसी को हद से ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है, जैसे हमें बना दिया, ठीक है। तो मेरा तो मानना यही है कि क्या कहते, बस कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ से सीखते रहिए, और बुरा वक्त आए तो उससे सबसे ज़्यादा सीखिए, क्योंकि बुरा मतलब बुरे वक्त में जो सीखने को मिलता है ना, वो हमें कोई भी नहीं सिखा सकता। जो एक्सपीरियंस हमें बुरे वक्त में मिलते हैं, वो हमें कहीं भी नहीं मिल सकते। तो और हार नहीं मारनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है, बुरा वक्त आए तो हार मत मानो, बस डटे रहो, ठीक है। जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए बस आगे बढ़ते रहो। बीच में बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, लोग मिलेंगे जो आपकी टांगे खींचेंगे, टांगे पकड़ेंगे, तो उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको एक लात मार के हटा देना चाहिए साइड में, मेरा जो मानना है। तो आप लोग ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए, आपको दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आप लोग बोलेंगे घर के ही ब्लॉग दिखाते रहते हो, कहीं जाते वाते नहीं हो, तो अभी तो हम सच में कहीं नहीं जा रहे, जब जाते हैं तो एकदम सडन प्लान बन जाता है, तभी जाते हैं और तभी आपको ब्लॉग दिखा देते हैं। तो आज मेहमान गए हैं स्कूल, अपने टीचर्स को देंगे कार्ड, और मेरे जीवन में अभी मेरे आसपास ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जिसे मैं कार्ड बना के दूँ, जिसको मुझे कार्ड बना के देना था मैंने दे दिया, और मैं बहुत खुश हूँ उनको कार्ड देकर। तो दोस्तों अब विवान को स्कूल से लाने का समय हो गया है, तो हम विवान को स्कूल से लेने जा रहे हैं। नाश्ता कर लिया, जो कि मैंने आप लोग को नहीं दिखाया, उसके लिए सॉरी। क्या खाई थी? भेलपूरी। दिया था मैम को? हाँ। क्या बोला था? हाँ। क्या बोला मैम को? अपना सामान मिला दो डैडी। हैप्पी टीचर्स डे। मुझे मिस करते हो स्कूल में बहुत ज़्यादा? रानी भी सुन रही, भी सुन चु रही। चलो लेटो, ठीक है, आराम करो। जरा वीवो का पूरा लंच फिनिश हो रखा है,
वेरी नाइस, बिल्कुल साफ करके लाए, धुल भी लाए क्या इसको? है लग तो ऐसी रहा है वॉच कर। अच्छा फॉइल पेपर निकाल के फेंक दिया होगा तो मुझे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। हैं वॉश कर ला स्कूल से? नहीं। ओके दोस्तों, अभी ना मैं एक ब्लॉग देख रही थी स्नैपी गर्ल का, मीन्स सपना का। तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे उनके ब्लॉग, नो डाउट वो बंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, चाहे वो अपनी बेटियों के लिए हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो। उसने जो दुख झेले हैं अभी तक, भगवान ना करे कि किसी के जीवन में उतने सारे दुख आए जो उस लड़की ने झेले हैं। और वो बहुत स्ट्रांग है और वो आगे बढ़ रही है, मेहनत कर रही है अपनी बच्चियों के लिए, उनका फ्यूचर, ताकि वो अच्छे से ब्राइट कर सके। इसलिए वो अपनी बच्चियों के लिए मेहनत कर रही है सब कुछ भूल के। लेकिन मैं कंटिन्यू उनके ब्लॉग्स देख रही हूँ जब से वो उन्होंने अपना ससुराल छोड़ा है। तो एक उनका ब्लॉग था जिसमें वो किसी के बारे में, मतलब उन्होंने शायद नाम वाम रिवील नहीं किया था और ना ही उसकी आईडी मेंशन की थी, जो सपना के करेक्टर पे उंगली उठा रही है, कोई हस्बैंड वाइफ है। तो मुझे एक चीज़ यार ये समझ में नहीं आती कि मतलब औरत ही औरत की दुश्मन है भाई, क्यों? मतलब मुझे, मेरे साथ भी ये चीज़ें होती हैं, मतलब मैंने तो शादी की है, ठीक है, और क्या कहते हैं, संविधान के अंडर में रह के की है, तब लोग मेरे करेक्टर पे उंगली उठा देते हैं। मेरे साथ भी ये चीज़ें होती हैं कि भाई तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, मतलब मैंने अपना, जिससे मैंने प्यार किया उससे मैंने शादी कर ली, तो लोग मेरे करेक्टर पे उंगली उठा देते हैं। लेकिन जिनके कर्म कांड बंद कमरे में होते हैं, पर्दे के पीछे होते हैं, वो लोग ठीक हैं कि हाँ लास्ट में ये कह के कि पापा मम्मी नहीं मानेंगे इसलिए हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन फुल यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलते हैं और उसके बाद जब शादी का टाइम आता है तो यही सब की समाज का रोना धोना और जात पात का रोना धोना। तो हमको तो ये समझ में नहीं आता कि जब आप किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, जब आप सच्चा प्यार नहीं कर सकते, तो फिर क्यों खिलवाड़ करते हो लोगों की जिंदगियों से? मतलब ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, ये लड़कियों के लिए भी है, ठीक है, दोनों लोग ऐसा करते हैं। और मैंने एक और सपना का ब्लॉग देखा था, उसमें अभी सपना ने अपने ससुर से बात की फ़ोन पर, जिसमें वो बोल रही है कि मुझे अपनी बेटियों का हक चाहिए और मुझे मेरा जो है उस घर में वो, मतलब उसने ऐसा बोला कि मेरा जो है वो मुझे दो, मेरा जो शादी का गोल्ड है वो सब कुछ। तो देखो, आप लोगों की नज़र में जैसा आप लोग हमसे कहते हैं, हमारे ब्लॉग पे कमेंट करते हैं, जब मेरा ससुर मुझसे किसी चीज़ की डिमांड करता है या हम ससुर से कुछ बोलते हैं, तो आप लोग कहते हो कि अपनी मर्जी से शादी की, अपना कमाओ अपना खाओ। तो हम अपना कमा रहे हैं अपना खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑन टेलीविजन मेरे ससुर ने मुझे एक्सेप्ट किया था, वो बंदा मुझे घर के अंदर लेके आया था, आज लेकिन वो मुझे घर से निकले उतारू है। क्यों? क्योंकि मैं उसके नक्शे कदम पे नहीं चली ना, उसके नक्शे कदम बोले तो मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये आजकल के बुजुर्ग लोगों को क्या हो गया है मुझे तो समझ में नहीं आता। ये सीनियर सिटीजन का कार्ड इतना खेलते हैं ये लोग, इतना खेलते हैं कि हम तो बुढ़े हैं, हम बोल नहीं पाते, हम चल नहीं पाते। अरे तुम बोल नहीं पाते, तुम चल नहीं पाते, कर्म कांड तो तुम सब कर लेते हो, तो किसी को पागल कुत्ता तो काट नहीं रहा है, हमको पागल कुत्ता तो काट नहीं रहा है कि हम बेवजह किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि भाई वो, और सपना ने तो, आपकी नज़र में साक्षी ने तो चलो लव मैरिज की थी, तो साक्षी को तो ना कुछ दिया गया और ना ही साक्षी ने किसी चीज़ की डिमांड की, ठीक है, लेकिन बल्कि उल्टा साक्षी से मांगा गया कि अगर ऐसी चीज़ चाहिए तो ऐसी चीज़ ला के दे अपने घर से, अगर ऐसी चीज़ चाहिए तो ये कर, अगर ये चाहिए तो वो कर, इस तरह से। तो साक्षी ने सब कुछ छोड़ दिया कि तुम डालो अपने पेट में, भर लो इस चीज़ को, और ऊपर जब भगवान जी के पास जाओ तो छाती पे रख के ले जाना वो वाली चीज़। मुझे किसी चीज़, मुझे ना गोल्ड चाहिए, ना मुझे प्रॉपर्टी से कोई प्यार है, कुछ नहीं, लेकिन बस एक कमरे में हम लोग ऊपर रह रहे हैं उसमें ही मेरे इन लॉस को दिक्कत है। यही चीज़ सपना के साथ हुई, ठीक है। सपना, बस फ़र्क इतना है कि भाई उसके बेचारे हस्बैंड नहीं है, मेरे साथ अजितेश का साथ है। मतलब दोनों की स्टोरी अलग अलग है, मैं अपनी स्टोरी उनकी स्टोरी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन सपना नो डाउट बहुत दुख झेल रही है और बिल्कुल उसका पूरा हक बनता है कि वो अपना हक मांगे, अपनी बच्चियों का हक मांगे। क्यों? क्योंकि भाई उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी खुशी खुशी की थी, ठीक है, और उसके बाद भी इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप था उसके पहले हस्बैंड के साथ। लेकिन घर लोग कह रहे हैं अब क्यों बातें खोल रही हो, अब क्यों सूरज के बारे में ये सब बोल रही हो अब। अरे लड़कियां घर बचाने के लिए ना जाने कितना सहती हैं और कितना टॉर्चर झेलती हैं, लेकिन ये कोई नहीं समझता कि सामने वाले ने अगर किसी चीज को छुपाया है, सामने वाले ने अगर कुछ झेला है तो क्यों झेला है।
ठीक है, पहले के रिलेशन आप सुनोगे हमारे, मतलब मैं एग्जांपल देना चाहूंगी ताई चाचा ताई चाची के टाइम के, तो औरतें सहती थीं नो डाउट, लेकिन आज का माहौल वो नहीं है। लड़कियां सीख गई हैं गलत के खिलाफ आवाज उठाना, लेकिन आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो टॉर्चर झेल रही हैं, जिनके माँ बाप उनको ये बोल देते हैं कि एडजस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पिटो, पिटते रहो, एडजस्ट करते रहो, ये वाली चीज। तो भाई सपना ने भी एडजस्ट किया अपना घर बचाने के लिए, कॉम्प्रोमाइज किया चीज़ों में, लेकिन अब उसे लगा कि चीज़ें बतानी चाहिए तो उसने बताई, क्योंकि भाई वही वाली चीज़ है ना, इन जैसे लोग, सपना के साथ ससुर जैसे लोग ऑन कैमरा कुछ और देखते हैं और पीछे कुछ और होते हैं, जस्ट लाइक मेरे इन लॉज। ठीक है, ऑन कैमरा आते ही क्या ही करते हैं वो, आप 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 आप, आप करते हैं, और पीछे तो उनकी भाषा आप लोगों ने सुनी रखी होगी जो हम लोगों ने वीडियोज बनाई हैं उनकी। तो अब वो अपना गोल्ड मांग रही है कि भाई मेरा शादी का गोल्ड मुझे दो, तो उसका ससुर साफ साफ मना कर रहा है कि वो तेरा, अरे तो मुझे तो समझ में नहीं आता, तो लड़के गोल्ड चढ़ाते क्यों भाई। एक तरफ तो तुम लोग का ये होता है कि भाई तुम्हारा नाम हो समाज में कि फलाने इंसान ने अपनी बहू को इतना गोल्ड चढ़ाया, अरे यार उसकी जो चीज़ है वो उसे दे दो, और ऑब्वियसली बात है उसकी बददुआएं लेके कहाँ जाओगे। ठीक है, बुढ़ापे में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सपना के सास ससुर गलत हैं, बहुत लोग आके कमेंट करते हैं कि अरे उनके दोनों बेटे खो गए, उन्हें भी दुख है, हाँ बिल्कुल होगा, मैं ये सारी चीज़ें मानती हूँ, लेकिन अगर उनको दुख है, इस चीज़ का दुख होगा उनके दोनों, तो यार सपना चलो ठीक है, अगर आप लोग के अकॉर्डिंग अगर सपना गलत भी है या कुछ गलत बोलती भी होगी, तो वो छोटी छोटी बच्चियों की क्या गलती, जो सपना की दोनों बेटियां हैं वो तो कुछ गलत नहीं बोलती होंगी ना, तो उन्हें क्यों मतलब अम्मा बाबा का प्यार नहीं मिल रहा, ये वाली चीज़ है। तो उन मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि बूढ़े लोगों को, आज के बुजुर्ग लोगों को दो रोटी से मतलब ना रह के इन चीज़ों से मतलब हो गया है कि हमारा फलाना मकान है, हमारी फलानी प्रॉपर्टी है, हमने फलाना इतना जेवर चढ़ाया था, हमने फलाने तुम्हें इतने कपड़े चढ़ाए थे, मतलब यार ये सब तुम्हारा फर्ज है जो तुम लोग करते हो। ठीक है, तो क्यों प्रॉपर्टी के लिए मर रहे हो, मतलब एक दिन सबको ऊपर जाना है, ठीक है, एक दिन सबको भगवान जी के पास जाना है, तो खुशी खुशी जीवन बिता लो, खुशी खुशी परिवार के साथ रह लो। ठीक है, मुझे तो मतलब मैं एक बात बताऊं, मैंने देखो अपनी अपने मन से अपना घर छोड़ा, ठीक है, जो भी था, लेकिन मैं आज अपने पति के साथ हूँ, अपने बच्चे के साथ हूँ, और मुझे अजितेश के घर वालों पे तरस आता है, मतलब मुझे उन पर हंसी नहीं आती, मुझे तरस आता है कि इन लोगों का बुढ़ापा, मतलब इंसान पर नाती के लिए या पर नातिन के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बुजुर्ग लोग, मतलब मैंने अपने घर में जो देखा है अपनी दादी नानी को, ठीक है, तो मतलब मुझे तरस आता है इन लोगों पे कि इनका बुढ़ापा ऐसे गुजर रहा है, अजितेश की दादी का बुढ़ापा सिर्फ उनकी आदतों की वजह से, उनका उनकी गलत भाषा की वजह से उनको अकेले बिताना पड़ रहा है, भले ही अजितेश का बड़ा भाई और बड़ी भाभी यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन वही 4-5 दिन के लिए, कोई उनके पास ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब भाई बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चों से घर में रौनक होती है, बुजुर्ग लोगों से घर में रौनक होती है, लेकिन उनका बुढ़ापा ऐसे गुजर रहा है कि उन्हें खाना बना के खिलाना पड़ रहा है। अब आप लोग कहेंगे हम लोग खाना बना के दे दें, तो हमने खाना बना के दिया था, लेकिन अब उन्हें हमारे हाथ का खाना ही पसंद नहीं आया, तो फिर हम कैसे अब खाना बना के दे दें उन्हें। भाई जब पसंद ही नहीं आ रहा है सामने वाले को, तो जबरदस्ती तो हम उनके मुंह में नहीं डाल सकते ना, वो वाली चीज़ है। लेकिन पता नहीं आजकल के बुजुर्गों को क्या हो गया है, सिर्फ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की, हमारा मकान है, ये हमारा मकान तुम छोड़ दो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, अरे यार चैन की दो रोटी खानी चाहिए। मतलब हर कोई छोटों में गलती बता देता है कि तुम छोटे हो तो तुम्हें बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, अरे ठीक है भाई सामने वाला बड़ा है, लेकिन अपनी जब तक वो छोटे को प्यार नहीं देगा, अपना बड़प्पन नहीं दिखाएगा, तो छोटा उसको रिस्पेक्ट कैसे देगा। और ऐसे ही सपना का ससुर कर रहा है कि भाई वो फलाना मकान मेरा है, वो प्रॉपर्टी मेरी है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे जीते जी किसी का कुछ नहीं है। अरे तो इतना जब कॉन्फिडेंस में हो तुम कि तुम्हारे जीते जी कुछ भी नहीं है, तो यही बोलो ना कि मेरे मरने के बाद भी किसी का कुछ नहीं है, मैं मरने के बाद सब कुछ अपनी छाती पे रख के ले जाऊंगा। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के बुजुर्ग लोगों को, मेरा जो मानना है आजकल के बुजुर्ग लोगों को, मुझे नहीं पता क्या हो गया। और मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग हैं, जैसे लाइक मेरे ससुर, सपना के ससुर, जिन्हें प्रॉपर्टी से प्यार है, छोटे छोटे बच्चों को देख के अपना बुढ़ापा नहीं गुजारना चाहते वो लोग, ठीक है, वो अपना मकान देख के, मैं समझ रही हूँ मेहनत से, हर कोई मेहनत करता है, मेहनत से बनाता है, किसके लिए बनाता है,
अपने बच्चों के लिए बनाता है कि हमारे बच्चे अच्छे से रहें, खुश रहें। अब अगर हम कल को कोई चीज करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हम तो अपने विवान के लिए तो सोचेंगे कि भाई अगर हम अपना घर बनवाएंगे खुद का, तो एक हम अलग रूम बनवाएंगे विवान का, तो हम अपने बच्चे के लिए तो करेंगे वो चीज। अब ये थोड़ी कि विवान बड़े हो जाएंगे तो हम उससे वो रूम छीन लेंगे कि नहीं ये रूम हमने बनवाया था। अरे हमारा फर्ज है, हमें करना पड़ेगा, हमने पैदा किया है उसको, तो हमारी जिम्मेदारी है। और मैं ये नहीं कहूंगी, जिम्मेदारी बच्चों की भी होती है, लेकिन अगर जिम्मेदारी बिल्कुल निभाएंगे, लेकिन आप बड़प्पन तो दिखाओ, बड़े लोग बड़प्पन तो दिखाएं। ऐसा नहीं है अजितेश ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, ऐसा नहीं है अजितेश ने अपने घर वालों को नहीं प्यार दिया, ऐसा नहीं है अजितेश ने अपने घर वालों को नहीं सपोर्ट किया, लेकिन वो लोग इस लायक ही नहीं थे। जब अजितेश की बीवी के साथ मिसबिहेव हो रहा था, तो अजितेश ने इसलिए स्टैंड लिया अपनी बीवी का क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था, उसने मुझसे शादी की। और वही उसके घर वाले हर जगह का यही है कि भाई पीटो अपनी बीवी को, मारो, ये करो, वो करो, सपोर्ट मत करो। यही अजितेश के घर वाले चाह रहे थे अजितेश से, जो कि अजितेश ने किया नहीं। हमारी भी स्टार्टिंग में बहुत लड़ाइयां कराई हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा लड़ाइयां कराई हैं, बहुत मतलब अति का जो होता है ना लेवल एकदम क्रॉस करा दिया था। लेकिन यह है कि समय रहते चीजें सुधार ली हम दोनों लोगों ने, मैंने और अजितेश ने, तो हम लोग का रिश्ता ठीक चल गया, है ना विवान। लेकिन मुझे सच में आजकल के बुजुर्गों का समझ में नहीं आता कि नाती पोतों को खिलाने की बजाय प्रॉपर्टी को चाटने की बात करते हैं। पता नहीं कहाँ क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी का, हमको तो ये समझ में नहीं आता। जब तुम सुबह उठ के बच्चों की शक्ल नहीं देख सकते, बच्चों को खिला नहीं सकते, तो ऐसी प्रॉपर्टी भाड़ में जाए, मेरा तो ये मानना है।